आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कुछ दिनों पहले हुई 5 गिरफ्तारियों के बाद ही कई खुलासे हो रहे हैं। अब एक ऐसी चिट्ठी सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि ये साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही रची जा रही थी। 18 अप्रैल को रोना जैकब द्वारा कॉमरेड प्रकाश को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि हिंदू फासिज्म को हराना अब काफी जरूरी हो गया है। मोदी की अगुवाई में हिंदू फासिज्म काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में उन्हें रोकना जरूरी हो गया है। प्रणब मुखर्जी की संघ में दिए गए भाषण से खुश होकर कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने संघ को सच का आईना दिखाया है और नरेंद्र मोदी सरकार को राजधर्म की याद दिलाई है। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने के फैसले पर बयान देने से कांग्रेस बचती नजर आ रही थी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति का आरएसएस मुख्यालय का दौरा बड़ी चर्चा का विषय बन गया था। देश की विविधता और बहुलता में विश्वास करने वाले चिंता व्यक्त कर रहे थे, लेकिन आज मुखर्जी ने आरएसएस को सच का आईना दिखाया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम को संबोधित किया और यहीं से उन्होंने संघ को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। अपने भाषण की शुरुआत में ही मुखर्जी ने साफ कर दिया कि वो राष्ट्र, राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर बोलेंगे और तीनों ही मसलों पर प्रणब मुखर्जी ने खुलकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रवाद का प्रवास संविधान में होता है। भारत की आत्मा बहुलतावाद और सहिष्णुता में बसती है। प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस को परोक्ष तौर पर आगाह करते हुए कहा कि धार्मिक मत और असहिष्णुता के माध्यम से भारत को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास देश के अस्तित्व को कमजोर करेगा। अपने भाषण में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वाले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के विरुद्ध शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दायर किया गया है। मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को भी सह आरोपी बनाया गया है। अधिवक्ता बीएल यादव के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गत 4 जून को दायर किए गए परिवाद संख्या 3567 में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हिंदू की भावनाओं को आहत करते हुए सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया था। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले मंत्रिमंडल को लेकर दोनों पार्टियों में बात नहीं बन रही थी और अब कुछ विधायक मंत्री ना बनने से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश तेज हो गई है। उन्हें मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर उनके आवास पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने किंगदाओ जाएंगे। इस दौरान भारत का आतंकवाद को बढ़ती चुनौती में निपटने के प्रभावी तौर तरीकों तथा एससीओ के सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में शांडोंग प्रांत के किंगदाओ शहर में 9 और 10 जून को आयोजित हो रहे 18वें एससीओ सम्मेलन में मोदी जी भाग लेंगे। ओडिशा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां नहीं मिलने पर सियासत तेज होती जा रही है। रत्न भंडार की चाबी खोने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने न्यायिक जांच में आदेश दिए हैं। सीएम नवीन पटनायक के इस आदेश पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमला बोला है और कहा है कि जांच कमीशन ओडिशा की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा है कि उनका परिवार लोकतांत्रिक और तर्कशील है तथा अपने पिता के साथ मतभेद जताने में उन्हें कोई समस्या नहीं है। मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जाने पर सवाल खड़े करने वाली शर्मिष्ठा ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कथित टिप्पणियों के जवाब में ये बात कही। देश भर में बीजेपी का संपर्क फॉर समर्थन अभियान जारी है। बीजेपी अध्यक्ष से लेकर तमाम मंत्री देश भर में दिग्गज हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सड़क परिवहन मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान और उनके अभिनेता बेटे सलमान खान से मुलाकात की। वहाँ उन्होंने मोदी सरकार के 4 साल के कामकाज को गिनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की अगले हफ्ते सिंगापुर में ऐतिहासिक मुलाकात होगी। इस ऐतिहासिक मुलाकात से पहले ट्रंप ने कहा है कि किम जोंग के साथ वार्ता की पूरी तैयारी कर ली गई है। ट्रंप ने कहा कि 12 जून को सिंगापुर में किम जोंग के साथ होने वाली उनकी मुलाकात सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं है, बल्कि इससे कहीं और बढ़कर होगी।
RIL की दूर संचार कंपनी रिलायंस जियो ने आज कहा कि उसकी मौजूदा वित्त वर्ष के आखिर तक देश की 99% जनता को अपने नेटवर्क के दायरे में लाने की योजना है। जियो की पैतृक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी सालाना रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। इसके अनुसार जियो द्वारा अपनी कवरेज बढ़ाए जाने के लिए भारत के डिजिटल सेवा बाजार में तीव्र वृद्धि जारी है। प्रशासन ने DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के खिलाफ कार्रवाई की है। 9,70,95,398 रुपए का विद्युत देय बकाया नोटिस भेजने के बाद भी जमा न करने पर कार्रवाई की गई है। DMRC बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने DMRC का बैंक खाता संबंद कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी दादरी अंजनी कुमार सिंह ने इस बात की पुष्टि की। कानपुर मेडिकल कॉलेज के ICU का AC फेल होने से 24 घंटे के अंदर 4 मरीजों की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने 4 मौतों की बात मानी है, लेकिन उनका कहना है कि AC फेल होने की वजह से मौतें नहीं हुई हैं। आरोप है कि ICU के दोनों AC प्लांट 5 दिन से काम नहीं कर रहे थे और शिकायतों के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज बॉलीवुड अभिनेता इंदर कुमार की अंतिम फिल्म क्रीना रिलीज हो रही है। इंदर आज भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके प्रशंसकों को इस फिल्म का काफी दिनों से इंतजार था। 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके इंदर क्रीना के बाद अब पर्दे पर कभी नजर नहीं आएंगे। पार्स फिल्म इंटरनेशनल द्वारा निर्मित हिंदी एक्शन थ्रिलर एवं सामाजिक फिल्म क्रीना इंदर की जिंदगी की अंतिम फिल्म है। रेस 3 का पार्टी चले ऑन गाना रिलीज हो चुका है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म रेस 3 को रिलीज होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में फिल्म का चौथा वीडियो सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। पार्टी चले ऑन गाना एक पार्टी सॉन्ग है जो रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है। इस गाने में सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस समेत सभी स्टार कास्ट नजर आ रहे हैं। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए एवन न्यूज के साथ।